राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। कम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलते हैं। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? चिंचल और धवल चरित्र राजीव भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बात है। मुझे तो इतना अफसोस है इस देश के बारे में, आजादी मिलने के बाद का देश हमारा कैसा है। हमारे देश में जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने बलिदान किया, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, ऐसे लोग इस देश की सरकार की सूची में कहीं नहीं है। और जिन लोगों ने देश से गद्दारी की, अंग्रेजों से वफादारी की, अंग्रेजों से दोस्ती की, अंग्रेजों का सहयोग किया, वो इस देश की शासन व्यवस्था में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे। मैं आपको बहुत अफसोस की बात कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल का दर्द है। एक दिन मैं कानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा था, एक व्याख्यान देने के लिए गया था। कानपुर आप जानते हैं कि एक जमाने में क्रांतिकारियों का घर था। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कानपुर में इकट्ठे होकर आज़ादी की योजनाएं बनाया करते थे। बहुत ऐतिहासिक शहर है। तो वहाँ एक बार मैं व्याख्यान देने के लिए रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो रेलवे स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ चाय की कुछ दुकानें हैं, आप कभी जाएंगे तो आपको भी दिखाई देंगे। तो एक चाय की दुकान के सामने से मैं गुजर रहा था, मेरा अचानक से मोबाइल फ़ोन बज गया। मैंने रुक के उस मोबाइल फ़ोन को सुनना शुरू किया, तो एक कान से मैं मोबाइल फ़ोन सुन रहा था, दूसरे कान से एक चाय की दुकान पर एक माँ और एक उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों बातें मुझे सुनाई दे रही थी, फ़ोन भी सुनाई दे रहा था, उनकी बातें सुनाई दे रही थी। तो माँ और बेटी आपस में बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया और मैंने ध्यान से उनकी बात सुनी, तो उनकी बात का एक ही विषय था। बेटी अपनी माँ से पूछ रही थी, हम इतने गरीब क्यों? तो उसकी माँ समझा रही थी कि हम गरीब इसलिए हैं कि भगवान ने हमको ऐसा बनाया। तो मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया, मैंने उनकी बातों में हस्तक्षेप किया और मैंने कहा कि भगवान ने आपको गरीब नहीं बनाया, हमारे देश की शासन व्यवस्था ने आपको गरीब बनाया, सरकार ने गरीब बनाया। अगर भगवान ने आपको गरीब बनाना होता तो भारत में आपको जन्म क्यों देता? पाकिस्तान में पैदा कर देता, बांग्लादेश में पैदा कर देता, अफ्रीका में पैदा कर देता, इंडोनेशिया मलेशिया में पैदा कर देता, आपको भारत में जन्म क्यों दिया उस भगवान ने? जो स्वर्ण भूमि है, जो पुण्य भूमि है, जो शहीदों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, जो हजारों साल तक सारी दुनिया का केंद्र रही है, ऐसे देश में आपको जन्म मिला है, तो ये तो आप भूल जाइए जो भगवान ने आपको गरीब बनाया। इस देश की सरकार की नीतियां हैं जिन्होंने आपको गरीब बनाया। तो ऐसी बात जब मेरी उनकी शुरू हुई तो मैंने उनका परिचय पूछ लिया, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये चाय की दुकान कब से चलाते हैं, वगैरह वगैरह। जब उन्होंने परिचय दिया तो मेरे पैर के नीचे की जमीन फट गई, मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं बहुत नीचे गिर गया हूँ। वो माँ ने, उस बेटी ने परिचय दिया कि हम तात्या टोपे के वंशज हैं और हमारी गरीबी ने हमको चाय बेचने के लिए मजबूर किया है। उस दिन मैंने अपने आप से ये पूछना शुरू किया कि तात्या टोपे के वंशज अगर इस देश में चाय बेच रहे हैं, कौन सी आजादी की बात है? और उससे ज्यादा क्रोध मेरे मन में इस बात का है कि तात्या टोपे, जिन्होंने पूरी जवानी इस देश के लिए अपनी लगाई, आप जानते हैं सबसे देर में पकड़े गए तात्या टोपे, 1857 का जो क्रांति का संग्राम हुआ, नाना साहब पेशवा के कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, नाना साहब पेशवा को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, झलकारी बाई को, सारे उनके सहयोगियों को शहादत हो गई, सबसे अंत में तात्या टोपे पकड़े गए। इतने कुशलता के साथ उन्होंने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया था और उनके परिवार के लोग चाय बेचे हैं इस देश में अपना जीवन चलाने के लिए। और इसी देश में ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आप जानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार के साथ सहयोग किया था देश को गुलाम बनाने में, जिन्होंने अंग्रेजों की सरकार को सहयोग दिया था इस देश के क्रांतिकारियों को मरवाने में, वो लोग इस देश में मुख्यमंत्री बनकर राज करे, उनके परिवारों के लोग केंद्रीय मंत्री बनकर इस देश में राज करे। आप जानते हैं एक इस देश में सिंधिया परिवार है जिसने अंग्रेजों की कितनी मदद की है, अंग्रेजों से कितनी वफादारी उन्होंने निभाई है। 1857 की लड़ाई में एक तरफ क्रांतिकारी लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सिंधिया परिवार की फौज अंग्रेजों के साथ क्रांतिकारियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस सिंधिया परिवार के बड़े बड़े लोग देश में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री बने, और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में। सिंधिया परिवार की तरह इस देश में एक और परिवार है, पटियाला राजघराना जिसको कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पूरी फौज, पूरी सेना अंग्रेजों को दान में दे दी। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी थी उस 1857 की क्रांति के खिलाफ काम करने के लिए। उस पटियाला परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने पंजाब के, और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे इस देश में आजादी के 63 साल के बाद। अगर यही है तो कैसे कहीं देश आजाद हो गया। 15 अगस्त मनाना, तिरंगा झंडा फहराना, जनगणमन गाना,
ये आजादी का नाम नहीं, आजादी इससे गहरी कोई चीज है। होना तो ये चाहिए था इस देश में आजादी के बाद कि जिन्होंने अंग्रेजों से वफादारी की, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दोस्ती निभाई, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों को मदद की, उन सबको इस देश में आजादी के बाद या तो फांसी होनी चाहिए थी, या गोली से उड़ा देना चाहिए था, या बम लगाकर तोप से उनका शरीर खत्म कर देना चाहिए था। वो लोग सत्ता व्यवस्था में बैठे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। उस समय अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन करते थे, अब काले अंग्रेजों के साथ दोस्ती करके शासन कर रहे हैं, लेकिन हमको तो मुंह चिढ़ा ही रहे हैं। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए सब कुछ अपना दे दिया, तन मन धन परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके सहयोगी उनके परिवारीजन चाय बेच रहे हैं, कहीं कोई छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, तो लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अधूरापन है इस देश की आजादी में, और ये अधूरापन पूरा करना ही होगा। आज नहीं तो कल शहीदों के सपनों को सम्मान देना ही होगा, आज नहीं तो कल शहीदों के परिवारीजनों को सम्मान देना होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो शहीदों की शहादत बेकार जाएगी, उसकी सार्थकता खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी कैसे अपने आप को कुर्बान करेगी देश के लिए? अगर ये कहानी मैं देश के बच्चों को सुनाऊं कि तात्या टोपे ने देश की आजादी के लिए अपना तन मन धन वतन सब कुछ बार कर दिया और आज उनके परिवार के लोगों को चाय बेचकर जिंदगी बितानी पड़ रही है, तो नौजवान पीढ़ी के मन में क्या दृश्य बनेगा? कौन सा उनके दिमाग में सपना पैदा होगा? किस ताकत से वो ये कह पाएंगे कि हमारे शहीदों ने जो किया वो ठीक किया? इसलिए मैं मानता हूं कि आजादी आ तो गई है, लेकिन आजादी के बाद की व्यवस्था वैसी नहीं है जो आजादी के लिए सपना देखने वाले शहीदों ने सोची। इससे भी ज्यादा खराब बातें हैं मुझे जो आपको कहनी नहीं चाहिए कि इस देश में एक नहीं ऐसे सैकड़ों शहीदों के परिवार हैं जिनके लिए खाने को पैसे नहीं। थोड़े दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह के परिवार के लोगों को, शहीद आजम भगत सिंह का एक बहुत बड़ा संदूक था जो उनके दस्तावेजों से भरा हुआ था, वो सहारनपुर से लेकर और उनके अपने जलंधर जिले में लेके जाना था, उस ट्रंक को भेजने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे। इतनी गरीबी में भगत सिंह के परिवारी जन लोग रह गए। ठाकुर रोशन सिंह के परिवार के लोग, चंद्रशेखर आजाद के परिवार के लोग अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जलालत और गरीबी की जिंदगी जी। एक भी शहीदों के परिवार में से ऐसा नहीं मिला मुझे, मैंने तो पिछले 10-12 वर्षों में कुछ 50 से ज्यादा शहीदों के परिवारों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की, एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि हाँ आजादी के बाद हम कोई सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, कोई सुकून की जिंदगी जी। और ये तो वो 50 परिवार है जिनको मैंने खोज लिया इस देश में से, पता नहीं ऐसे कितने हजार परिवार कितने काम पर। इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से कि ये आज़ादी अधूरी है, और ये आज़ादी पूरी तब होगी जब शहीदों के सपनों का सम्मान होगा, शहीदों के परिवारियों का सम्मान होगा, उनको इस देश में वो स्थान मिलेगा जो इस देश में आज सत्ता चलाने वालों को मिला हुआ है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन में से कुछ नहीं गंवाया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कभी कोई भाग नहीं लिया, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने खून की एक बूंद भी कभी दान नहीं की, उन लोगों के हाथ में पूरे देश की शासन व्यवस्था हो, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ गंवाया वो तिल तिल भूखे मरे, चाय बेचनी पड़े, पकौड़ियाँ बेचनी पड़े उनको, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत अफसोस है। इस व्यवस्था को ठीक करना है, इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत स्वाभिमान का जन्म हुआ, वरना इस अभियान की कोई ज़रूरत नहीं। 63 साल हमने देखा कि कोई सरकार ये काम नहीं कर रही है। 63 साल में इस देश में बीसियों सरकार आई और चली गई, अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई और चली गई, किसी को ध्यान में नहीं आया कि तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय बेचे, किसी का दिल नहीं धड़का, किसी के पेट का पानी नहीं हिला। इस देश सालों साल से वो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी शासन व्यवस्था में संवेदनहीनता आ गई है, पूरी तरह से संवेदन शून्य हो गया है। चोर उचक्के लुच्चे लफंगे बदमाश लंपट किस्म के लोग शासन व्यवस्था में आए, जिन्होंने अपराध किए हैं वो इस देश के मंत्री बन जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो संसद में जाकर बैठ जाएं, जिनको जेलों में होना चाहिए वो विधानसभाओं में जाकर बैठें, जिन्होंने जिंदगी भर कानून तोड़ने का काम किया है वो कानून बनाए इस देश में। ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए, इस आज़ादी की व्यवस्था को तो बदलना ही चाहिए, और इसी बदलाव के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू।